गुड मॉर्निंग गाइज, हैप्पी षोष्ठी, और आप सभी को माँ दुर्गा बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे। एंड दुर्गा पूजा शुरू हो गया है, सो इट्स लाइक बहुत अच्छा लगता है। दुर्गा पूजा इस मतलब इतना ज़्यादा खुशियाँ लाता है ना, मतलब कितना भी दुख हो उसके अंदर माँ का जब आप फेस देखते हो तभी आपको ऐसा लगता है कि यही तो सब कुछ है। पूरा साल हम वेट करते हैं दुर्गा पूजा के लिए। तो मम्मी गई थी सुबह सुबह, आज षष्ठी है, मम्मी सुबह सुबह गई थी यहाँ पे पास में जो ननी खाड़ी का मंदिर है यहाँ पे। एंड मम्मी ने बोला कि वहाँ पे बेल तोला है, पूजा होता है, मतलब बेल पेड़ के नीचे पहले पूजा होता है, देन जो खुदान मतलब माँ का आँख ढका हुआ रहता है उनका पूजा होता है। बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन है, मुझे उतना तो पता नहीं है। तो मम्मी जाके कम से कम एक डेढ़ घंटा वहाँ पे बैठी हुई थी बेल तोला का पूजा में, मम्मी ने देखा अच्छे से एंड देन चली आई। अभी मम्मी गई है पास में फार्म में, गई है तिप्पीगढ़ फार्म में, वहाँ पे नारियल बहुत कम रेट में मिलता है तो मम्मी वहीं पे गई है। आई गेस मैंने एक व्लॉग में आपको दिखाया भी है तिप्पीगढ़ फार्म, अगर नहीं दिखाया तो कभी तो मैं दिखा दूँगी। और वहाँ पे फूल पौधे मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, इस सब का रेट भी बहुत कम है, मतलब 15-20 रुपये ऐसा कुछ है। तो मम्मी वहीं पे गई है एंड क्योंकि लक्ष्मी पूजा आने वाला है तो हमें नारियल चाहिए, तो इसलिए नारियल लाना इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग। लक्ष्मी माँ को नारियल लड्डू देती है मम्मी हर साल, मतलब मैं अगर कभी पूजा करी तो मुझे इतना पता है कि लक्ष्मी माता को नारियल लड्डू और चावल का एक प्रसाद होता है वो तो देना ही है। तो वही नारियल लाने के लिए मम्मी गई है, क्योंकि अभी कुछ दिनों के बाद ना नारियल और आपको उतना अच्छा मिलेगा नहीं, क्योंकि मोस्टली बंगालीज और दुर्गा पूजा में भी तो नारियल चाहिए होता है ना, तो मोस्टली लोग ले जाएंगे नारियल अपने घर, तो इसीलिए अभी से कलेक्शन शुरू, 3-4 नारियल तो लेकर आना ही है। और इस घर से हमारा सेकेंड लक्ष्मी पूजा है, लास्ट लक्ष्मी पूजा में हम घर शिफ्ट का नहीं, घर शिफ्ट नहीं, घर गृह प्रवेश का हम पूजा कर रहे थे। तो यही है, और आज हमारा कुछ प्लान था जो कि हुआ नहीं, तो अभी मम्मी बोल रही कि अभी खा पी के रेडी हो जाओ, बाज़ार जाते हैं। एंड क्योंकि ना मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हूँ अभी कुछ दिनों से, तो इसीलिए मुझे मम्मी हर शाम को बाज़ार लेकर जाती है एंड टाइम पास करा के लाती है, एंड अच्छा भी लगता है सच बोलूँ तो। तो यही है, देखते हैं, मैं भी अभी नहा धो के मैं रेडी हो जाऊँगी, थोड़ा सा माँ दुर्गा का दर्शन भी हो जाएगा एंड एक दो पूजा भी देख कर आते हैं यहाँ वहाँ का। बहुत सारे जगह पे मतलब अंडमान में ना षोष्ठी में इतना पूजा नहीं होता जितना कि मेन लैंड पे होता है, मतलब कोलकाता पे तो तृतीया से ही इतना ज़्यादा लोग घूमते हैं यहाँ वहाँ। मेरे दोस्त लोग को मैं स्टेटस देखती हूँ तो वो लोग तो तृतीया से ही घूमना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे इतना नहीं होता। आज षोष्ठी हो गई, अभी तक पूजा कम्प्लीट नहीं हुआ है देखो, तो यहाँ पे सप्तमी से शुरू होता है। तो ठीक है, देखते हैं, बाज़ार अगर जाती हूँ तो एक दो जगह का पूजा देख कर आऊँगी एंड देखते हैं। तो सिप्पीगढ़ फार्म से मम्मी और भाई ने लाया है ये बड़ा सा नींबू, इसको क्या नींबू बोलते हैं मैं भूल गई हूँ, और नारियल, मैंने बोला था ना बहुत सारा नारियल लाया, तो ये नींबू देखो कितना बड़ा सा है, इतना बड़ा सा किसी को अगर पता है तो इस नींबू का नाम क्या है बताना है, कौन सा टाइप का नींबू है। स्मेल हल्का फल्का आ रहा है लेकिन गोंधोराज नहीं है ये, लेकिन काफ़ी बड़ी साइज है ना। सो आज खाने में है चावल, चिकन सेमी ग्रेवी, दाल, कोचू साग, और यहाँ पे है मच्छी और आलू का करी। सो मुझे आज बाज़ार जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन मम्मी आज मुझे खींच खींच के लेकर जा रही है। मुझे मतलब 0% इंटरेस्ट है जाने का, और क्योंकि मैं लास्ट 2 दिन से जीन्स पहन के जा रही हूँ तो मुझे आज लगा कि मैं क्या कोई मंडप वंडप पे गई, तो इसीलिए मैंने ये वाला कुर्ता सेट पहन लिया। ये नया है, इंदौर एरा का है, अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। एक्चुअली मेरा और मम्मी का भी कैसा हो गया, वी कैन शेयर आवर क्लोथ्स नाउ। मम्मी मेरा पहन सकती, मैं मम्मी का नहीं पहन सकती, मम्मी मेरे से दुबली है। और मम्मी ने एक नया साड़ी पहना है जो कि पूजा ने साड़ी दिया था, आपको याद है ना मैं जब चेन्नई गई थी पूजा ने एक साड़ी दिया था। पूजा को एक फ़ोटो भेजना है मुझे ये साड़ी के साथ मम्मी का, मैं तो साड़ी पहनती नहीं हूँ, लेकिन ये साड़ी है देखो, ये वाला साड़ी पूजा ने मुझे पहनने के लिए दिया था, कभी एक दिन पहनूंगी मैं भी साड़ी एक दिन फ़ोटो के लिए। तो वही है, अभी हम लोग बाज़ार जाएंगे, लास्ट 2 दिन से हम लोग जा रहे हैं। छोटा भाई भी बोल रहा है कि हर दिन तुम लोग बाज़ार जाके करते क्या हो मम्मी बोल रही बस स्टैंड से घूम कर चले आते हैं। पहले दिन तुम लोग भातू बस्ती गए थे, नेक्स्ट दिन गए
बाज़ार, कल गए थे बाज़ार। ठीक है चलो जाते हैं, जाते वक्त धनीखड़ी के मंदिर में, मतलब जहाँ पे पूजा हो रहा है, पूजा पंडाल, वहाँ पे जाके थोड़ा सा दुर्गा माँ को देख के आऊँगी। तो आज जैसे हम रोड में पहुँचे, हमें एसी बस तो मिला नहीं, लेकिन हमें एक प्राइवेट बस मिल गया था, एंड ये बस का नाम है सुभाषिनी। अंडमान में प्राइवेट बस में भी ट्रेवल करना एक अलग फ़न है, क्योंकि इसमें 90s के गाने बजते रहते हैं और लाइटिंग वाइटिंग जो रहता है ना, ओवरऑल वाइब बहुत मज़ा आता है। सो आज ना मुझे बाज़ार जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, और मम्मी को बाहर जाना इतना पसंद नहीं है, लेकिन मम्मी क्यों जा रही है आजकल पता है? क्योंकि मम्मी चाहती है कि मैं खुश रहूँ, और इसीलिए मम्मी मुझे यहाँ वहाँ लेकर जाती है। तो मुझे पता है मम्मी का इंटेंशन क्या है, बस बताती नहीं है। तो आज हम लोग एक जगह पर जाने वाले हैं, और आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा कहाँ पे जाने वाले हैं। तो वहाँ पे जाने के लिए हम कुछ स्वीट लेने आए थे, तो हम बाद में स्वीट नहीं लिए, हम बाद में कुछ स्नैक्स ले लिए इसी शॉप से। सृष्टि चाट सेंटर है जो कि जंगली घाट में है, और मैं देख रही थी कि क्या क्या नया स्वीट है, स्वीट कुछ फ्रेश नहीं लग रहा था। एंड यहीं पे जंगली घाट में एक फुचका भैया बैठते, बहुत अच्छा फुचका बनाते वो, और मैं वहाँ पे 20 रुपये का फुचका भी खा ली। हम आए हैं हमारी पुरानी गली, पुराना क्या बोलते हैं, पुराना घर जहाँ पे हम लोग पहले रहते थे, वहाँ पे हम लोग आए हैं। यहाँ पे कितना सारा डिलीवरी एजेंट आके मुझे कॉल करता था, मम्मी यहीं पे मैडम। हाँ याद आ रहा है वो सारा, ये चढ़ाई कितना बार चढ़ना पड़ता था। ये हम लोग का पहले का घर है, ये आओ ये देखो, अच्छू भाग गया। ये हम लोग का घर था, अभी और कोई रहते हैं। ये I just miss this home, like ये देखो यहाँ से ऐसा कुछ दिखता था। ये है छत, यहाँ पे हम लोग योगा करते थे ना अच्छू, अच्छू के साथ मैं आई ऊपर। यहाँ पे हम लोग योगा करते थे अच्छू, याद है कहाँ पे करते थे बताओ? कहाँ पे? कहाँ पे? अच्छा भागता है वीडियो में नहीं आएगा इसलिए। तो ये देखो ये वो नज़ारा है जो मैं कितना देखती थी, कितना अच्छा लगता था। इस जगह का ना स्मेल ही बहुत ज़्यादा अच्छा है, आई जस्ट मिस दिस होम लाइक टू मच। कहाँ नीचे उतरो, आंटी को हम बोलती नीचे उतरो। यहाँ पे हम एक वीडियो बनाई थी अच्छू, याद है? तो ये है ऊपर से नज़ारा, अरे वाह इस जगह का हवा कितना अच्छा है यार, मुझे यहीं पे रहना है। प्लीज़ प्लीज़ कोई मुझे यहाँ पर बुला लो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आई जस्ट मिस दिस होम लाइक, उफ मुझे यहाँ से जाने का और मन नहीं करेगा अभी। लेकिन कोला भी यहाँ पे है, कोला के लिए जाना पड़ेगा। यहाँ पे कड़ी पत्ता का पेड़ लगा है। तो गोलघर में करीबन 1 घंटा बिताने के बाद, मतलब आंटी अच्छू और दादी से 1 घंटा से बात करने के बाद, हम चले गए जंगली घाट पंडाल। यहाँ पे ये है जंगली घाट का पूजा पंडाल। एक्चुअली रात नहीं हुआ तो उतना अच्छे से लाइटिंग समझ नहीं आ रही है। अच्छा यही जवा फूल जंगली घाट में आए थे यहाँ पे देखने के लिए कि कैसा मूर्ति बना है, लेकिन यहाँ पे अब तक चोखू दान बोलते हैं बंगाली में, हो रहा है यहाँ पे इसको कुछ तो बोलते हैं दान प्रतिष्ठा। मम्मी का बंगाली आपको समझ आया तो समझ लेना, लेकिन मुझे पता नहीं इस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं। तो मम्मी का मेन मोटो था कि मुझे पूजा में कुछ देना, तो यहाँ पे मैं एक ड्रेस ट्राई कर रही हूँ। ड्रेस मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, लेकिन इट वाज हेल कॉस्टली, मतलब 5,800 रुपीस का था, एंड मुझे इतना वर्थ नहीं लगा, और मैं इतना पहनूंगी नहीं तो मैंने लिया नहीं। लेकिन मम्मी मुझे बहुत इंसिस्ट कर रही थी कि ले लो ले लो ले लो, लेकिन एट लास्ट मैंने सोचा कि छोड़ो नहीं लेते, और मैंने एक दूसरा ले लिया जो कि मैं बाद में आपको दिखाऊंगी। लेकिन ये ड्रेस सच में बहुत ज़्यादा अच्छा था, मतलब एकदम दिन चेक वाला। और उसके बाद हम लोग गगन रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पी लिए 1 कप,
और यहाँ पे बस मैं मतलब आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू बी हैप्पी एक्चुअली, पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा अपसेट लग रहा था। यहाँ पे मम्मी भी मुझे देख के अपसेट हो गई। और ये गगन रेस्टोरेंट है एक्चुअली, गगन रेस्टोरेंट में हम बचपन में आते थे। पोर्ट ब्लेयर में किसी ने अबर्डीन बाज़ार अगर देखा है तो वहाँ पे पास में गगन रेस्टोरेंट तो ज़रूर है। तो यहाँ पे हमने कॉफ़ी और पकौड़ा लिया था, पकौड़ा बहुत ज़्यादा ख़राब था। कैसा है? सो शॉपिंग डन मेरे लिए एंड अब हम लोग जा रहे घर। एंड हमें इस बार लकीली एसी बस मिल गया था। ये धनी खाड़ी का पूजा है, मतलब हम जहाँ पे रहते हैं इसके ठीक 200 मीटर के डिस्टेंस पे ये पूजा होता है। तो मैं इसको पारदार पूजा कहती हूँ यहाँ पे। और इस बार यहाँ पे इतना भीड़ हुआ है ना, मैं आपको शॉपतुमी का वीडियो दिखाऊंगी, आपको पता चलेगा कितना भीड़ हुआ था। और ये ढाक का जो आवाज़ है ना, यही मन में बहुत ज़्यादा शांति लाती है। तो मैं पूरा दुर्गा पूजा जस्ट इसी के लिए देखने जाती कि मुझे वो ढाक का आवाज़ सुनना होता है। ये मुझे मिल रहा है प्रसाद। आए हैं और आने के बाद अभी रेस्ट लूंगी, अभी मैं थोड़ा सा, उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि मम्मी ने मुझे क्या दिया है। और अभी थोड़ा सा रेस्ट ले लेती हूँ मैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है अभी। ये देखो, ये है मेरा जान, मेरी जान है, मेरा बच्चा, मेरा खोला खोलू खोलू। फिफी को ना लेफ्ट आउट फील हो रहा है अभी, लेकिन उसे तो मैं थोड़ा सा भी खफा हूँ। थैंक यू टू माँ दुर्गा कि मुझे मम्मी जैसे मम्मी देने के लिए, एंड आई एम सो ग्रेटफुल। बहुत सारा चीज़ में मैं उनको थैंक यू नहीं बोल पाती हूँ, तो यहाँ पे थैंक यू बोल रही हूँ। एंड मम्मी थैंक यू फॉर दिस लवली ड्रेस। तो यही ड्रेस मुझे मम्मी ने दिया है, मैंने कभी भी इसके पहले शरारा नहीं पहना ऐसा टाइप का। सो थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। मैं मिलती हूँ कल आप विद ए न्यू वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी नाउ।